अरे हट सिद्ध को भाव वंदेना, अरे हत सिद्ध को भाव वंदेना, शेष तीन सानिध्य सुगम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। पंच परमेष्ठी परमात्मा, आत्मज्ञानी अनंत उपकारी सद्गुरुदेव, आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। ज्ञानी लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और वे न केवल पंचेंद्र प्राणियों को महसूस करते हैं बल्कि उनकी संवेदना का स्तर इतना विशिष्ट, इतना सूक्ष्मग्राही और इतना व्यापक होता है कि वे संपूर्ण जगत को आत्मवत महसूस करते हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण जगत को आत्मवत महसूस करता है उस व्यक्ति से हिंसा कदापि संभव ही नहीं, चाहे वह बोले, चले, भोजन ग्रहण करे, शैया आसन पर लेटे, उठे, बैठे और शरीर की जितनी भी क्रियाएं करनी आवश्यक होती है वो सारी ही क्रिया करे, तब भी उसके द्वारा कभी कोई पाप कर्म होता ही नहीं, कोई क्रिया पाप का बंधन नहीं करवा पाती। इसका कारण यह नहीं कि वह क्रिया नहीं करता, इसका कारण यह है कि वह आत्मवत जीता है। उसकी आत्मा इतनी ऋजु हो गई, इतनी प्रेमिल हो गई, इतनी बोधपूर्ण हो गई कि उसकी चेतना अन्य समस्त चेतनाओं को एकात्म महसूस करती है। एकात्म भाव की महसूसी में हिंसा नहीं बचती, फिर क्रियाएं कर्म का कारण नहीं बनती। लेकिन कदाचित कोई व्यक्ति पापों से जो बचने का इच्छुक है, पाप नहीं करना चाहता, पाप कर्मों का बंधन नहीं करना चाहता, क्रियाओं से मुक्ति चाहता है, वो समस्त सांसारिक क्रियाएं छोड़ दे, दैहिक क्रियाओं की जरूरतों को भी छोड़ने की कोशिश कर ले, कदाचित हर प्रकार के संबंधों का त्याग करके बैठ जाए, लेकिन अगर उसका हृदय प्रेमपूर्ण नहीं हुआ, उसकी चेतना मोहमुक्त नहीं हुई, उसकी भावधारा समष्टि के प्रति आत्मवत नहीं हुई, तो ऐसा व्यक्ति क्रिया करे अथवा न करे उससे पाप कर्मों का बंधन होता है। उसका होना अभी सबके लिए अभय का कारण नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके स्वयं के भीतर अभी प्रेम नहीं घटा। हमारे जैन समाज में लंबे काल से एक बहुत भ्रामक धारणा प्रचलित है और वह धारणा
इतनी अधिक व्याप्त है और इतनी गहराई तक जड़ जमा चुकी है कि हर आदमी को दिमाग में खौफ रहता है कि ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, पाप बन जाएगा। वो पाप पाप पाप, हर क्रिया में लोग पाप ही खोज रहे होते हैं। और पाप नाल बंदे इस बात के लिए बहुत तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं, ये खाओगे तो पाप, वहां जाओगे तो पाप, नॉन वेजिटेरियन से दोस्ती कर ली तो पाप। अब इसकी व्याख्याएं भी इतनी गजब होती है कि खुले मुंह बोला तो पाप, लाइट पंखे के नीचे बैठ गए तो पाप, माइक में प्रवचन सुन लिया तो पाप, फल सुधरे हुए खा लिए तो पाप, महाराज जी के लिए गोचरी बना के बहरा दिया तो पाप। अब वो हर जगह पर पाप है। और ये पाप पाप पाप, इतना ज्यादा पाप हमारे यहां पर, तो कितने बच्चे पूछते हैं कि क्या हमारे धर्म में ही पाप लगता है क्या? और धर्मों को पाप, और धर्म को मानने वाले को पाप नहीं लगता? फिर हमारे धर्म में या तो कुछ स्पेशलाइजेशन है कि यहाँ हर चीज में इतना पाप लगता है और यहीं पर इतनी मान्यता है पाप की, तो कितना अच्छा हो कि हम इस धर्म में ही ना रहते, दूर रहते तो ज्यादा अच्छा था। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कितने संस्कारी घरों के बच्चे भी, जिनके माता पिता खूब धर्म आराधना क्षेत्रों में आगे रहते हैं, अगवानी करते हैं, उनके बच्चे भी उन क्षेत्रों से भागना चाहते हैं। और कदाचित आना भी पड़े तो बहुत ऊपरी मन से आते हैं, भीतरी मन से तो आना पसंद बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि सबके भीतर में एक पाप की धारणा बड़ी घर कर गई। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतना पाप करने के धारणा हमारे अंदर है, तब भी कहीं पर भी पाप हटा हो और प्रेम घटा हो, ऐसे लोग तो नहीं मिलते। एक्चुअली पाप कहाँ? अगर क्रियाओं में पाप हो तो यही उत्तराजन सूत्र, यही भगवती सूत्र, यही पन्नवणा सूत्र, यही जीवा जीवाभिगम सूत्र, जिन सूत्रों की सब लोग दुहाइयां देते हैं, उन सूत्रों में ऐसी ऐसी बातें मिलती है कि लोग समुद्र में भी सिद्ध हो सकते हैं, नदियों में भी सिद्ध हो सकते हैं। कंदमूल खाने वाले भी तापस मुनिराज रहे हैं और वो गौतम स्वामी के पीछे चलते चलते आ रहे हैं, भगवान के पास पहुंचे नहीं, उसके पहले उनको केवल ज्ञान हो गया है, तो फिर उनको पाप नहीं लग रहा था क्या? फिर पाप का संबंध कहां से है? जरा देखें, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, जब तक आत्म प्रेम नहीं प्रगटा, तब तक पाप है। ज्ञान और प्रेम प्रगटा फिर कोई पाप नहीं। पर हमारे यहां नकारात्मक अप्रोच करवाई जाती है कि ये छोड़ दो, ये करो मत, पर ये नहीं कहा करने योग्य क्या है, होने योग्य क्या है, स्वीकारने योग्य क्या है। स्वीकारने योग्य क्या है, यह बात तो बहुत थोड़े लोग बताते होंगे, बाकी छोड़ने योग्य क्या है वो हर जगह पर लंबी चौड़ी फहरिस्त मिल जाएगी। आप देखो, अलग अलग परंपराओं में जाओ, अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी। कोई कहेगा आलू प्याज खाओ तो पाप, कोई कहेगा दही खाओ तो पाप, कोई कहेगा दूध पियो तो पाप, कोई कहेगा दही के साथ द्विदल बना करके मिला करके खाओ तो पाप, इसीलिए कुछ सेक दो उसके बाद में खाओ। अब ये इतनी तरह की पाप की परिभाषाएं हमारे यहां पर है कि एक आदमी अगर पाप की लिस्ट लेकर के बैठे तो परेशान हो जाएगा। अच्छा यह हो कि पाप 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 पे ध्यान देने की बजाय आप पे ध्यान दो, पाप को नहीं आपको समझो। हमारे यहां डायरेक्शन ही रॉन्ग हो गया, दिशा ही भटक गए हम सारे लोग। हम सब लोग पाप पे फोकस कर रहे हैं, आप पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा। आप क्या हो, कितना फोकस है बताओ? आप पे और पाप पे, दोनों में से किस पे ज्यादा फोकस है? आप लोग ही बताओ किस पे ज्यादा फोकस है। हाँ, पाप पे ना।
आप सबका एक ही आंसर है, किसी का कोई दूसरा आंसर है? सबका एक आंसर है। क्यों? बरसों से सुन रहे हो ना, साधु संतों को बरसों से सुन रहे हो, धर्म स्थानकों में, मंदिरों में, उपाश्रमों में बरसों से जा रहे हो। सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया? पाप पे जोर दिया गया, आप पे जोर ही नहीं दिया गया। दिशा ही पूरी बदल दी गई, उल्टी बना दी गई। अब उल्टी दिशा में कितना भी चलो, उल्टे ही रहोगे, धर्म से विमुख ही रहोगे। इसीलिए देखो, धर्म के नाम पर जो शिक्षाएं हमें मिलती है, उन शिक्षाओं ने इंसानों के हृदयों में से प्रेम को सुखाया है, आनंद भाव को हटाया है। अगर वो जरा आनंदित रहे, जरा प्रेमी हो जाए, तो लोग कहते हैं, ध्यान नहीं रखता, कितनी क्रिया बन लग रही है, कितने कर्म बन रहे। पर हकीकत यह है, पाप पे नहीं, आप पे ध्यान दो। आप यानी आत्मा, अप्पा कहते हैं आत्मा को, आप शब्द आत्मा के लिए आता है। आप पे यानी आत्मा पे ध्यान दो। यह आत्मा कैसी है, अपने आप से पूछो, मैं कैसा हूं? कभी पूछा आपने? जो मिलता है सुबह से शाम तक सबसे पूछते हो, कैसे हो? हाउ आर यू, सबसे पूछते हो ना, अपने आप से भी पूछ लो, हाँ, कि मैं कैसा हूं, पूछो जरा, क्या जवाब मिलेगा? किसी के भीतर से जवाब मिलेगा बहुत गहराई तक, कि पूर्ण हूं, मस्त हूं, स्वस्थ हूं, आत्मस्थ हूं, प्रेमपूर्ण हो, यह आंसर मिलेगा? हाँ, कितने लोग हैं मेरे बोले गए वाक्यों में से कोई एक शब्द का भी पूर्ण आंसर देने वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बता सकते हो बड़े आराम से। एक हाथ खड़ा हुआ, और कोई नहीं? गलती हो गई, धर्म बाहर नहीं था, क्रियाओं में नहीं था। कर्म बंधन के डरों डर करके, डरा करके धर्म नहीं हो सकता है। दिशा ही उल्टी कर ली, बाहर यात्रा कर रहे। आप से बाहर चले हो ढूंढने, आह पहला ही कदम उल्टा पड़ा। जब पहला कदम उल्टा पड़ गया, फिर बरसों बरस चले जाओ, युगो युगो चले जाओ, जन्मों जन्म चले जाओ, होगा क्या? उल्टा कदम जिसका पड़ गया, उसको आपका रास्ता नहीं मिलेगा। अनुभवी आदमी ने कहा ये शेर, कि आपसे बाहर चले हो ढूंढने, आह पहला ही कदम उल्टा पड़ा। पाप पे नहीं, आप पे ध्यान दो। आप कैसे हो, खुद से पूछना, शांति से बैठ करके पूछना, अभी पूछो, घर जाके पूछना, आज रात सोने से पहले आधा घंटा बैठ जाना, समय निकालना खुद के लिए, जो कि जनरली आप निकाल ही नहीं पाते। निकाल पाते? खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, पार्टी के लिए, शादियों के लिए, सबके लिए समय निकालते हो, कभी खुद के लिए समय निकालो। निकाल पाओगे? हाँ, खुद के लिए समय निकालना और थोड़ी देर अपने आप को बोलना सीखो कि आज मैं खुद के साथ रहूंगा। रहते हो कभी? जो ये श्रावक की साधना में पौषध व्रत आता है ना, ये पौषध व्रत का मतलब और उपवास का मतलब यही होता है कि आज हम खुद के साथ रहेंगे। उपवास और पौषध का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये आज हम खुद के साथ रहेंगे। पर हम उपवास और पौषध का मतलब क्या समझते हैं? भूखे रहना, भूखे रहना और स्थानक या मंदिर उपाश्रय में सोना, बस इतना ही मीनिंग समझते। एक्चुअल उपवास और पौषध का मतलब भूखे रहने से मतलब नहीं है, बड़ा निगेटिव मीनिंग है। और इस भूखे रहने का मतलब ये हो गया कि खाने में पाप, इसलिए खाना छोड़ो। बात है ही नहीं पाप की, बात उपवास इसलिए है, पौषध इसलिए है कि आज हम खुद के साथ रहेंगे, खुद में वास करेंगे, खुद से बातचीत करेंगे, खुद से मुलाकात करेंगे और खुद के पास आकर के पूछो, मैं कैसा हूं,
मेरे भीतर क्या है, मेरी गहरी मांग क्या है, मैं अशांत हूं तो अशांति का कारण क्या है, मैं असंतुष्ट हूं जो मुझे मिला है, जो लाइफ मेरे साथ चल रही है इस टाइम में, मैं उससे असंतुष्ट हूं, तो खुद से बात करना कि मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है। मैं कंप्लीट फील नहीं कर रहा, मैं अपने आप को पूर्ण फील नहीं कर रहा, तो इसके पीछे कारण क्या है, खुद से पूछना, खुद से बात करना। ये खुद से बात करना, खुद से मुलाकात करना, यही उपवास का कार्य है, यही स्वाध्याय है। और तब अगर जवाब मिले मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं मस्त नहीं हूं, मैं प्रेमपूर्ण नहीं हूं, तो खुद को ठीक करना, खुद को प्रेमपूर्ण करने में बाधा क्या है उसको जानना। हमारा प्रेम उद्घाटित नहीं हो पाता उसको कौन रोकता है, हमारा प्रेम फैल नहीं पाता, सारी आत्माओं के साथ अपने आप को एकात्म नहीं महसूस कर पाता, बीच में दीवार आ जाती है। वो कौन सी दीवार है जो मेरे प्रेम को रोकती है, वो कौन सी धारणा है जो मेरे प्रेम को बांटती है, मेरे हृदय के वात्सल्य को अनंत होने से कौन सी धारणाएं बांट रही है, खोजना। जब उसका पता लगेगा तो उस धारणा से मुक्त हो जाना। पहली बात तो पता लग जाए, क्योंकि पता ही तो नहीं लग पाता। सूत्रकृतांग सूत्र अपनी पहली अध्ययन की पहली गाथा में कहता है कि बूझ लो टूट जाएंगे, जान लो हट जाएंगे, जानने मात्र से बंधन हट जाएंगे, जानने मात्र से धारणाएं हट जाएगी, जान लो मेरे भीतर की धारणा क्या है। सब धारणाएं हैं जो हमारे प्रेम को रोकती है, प्रेम को बांटती है, हमें आपको अपने आप को पूर्ण होने में बाधक बनती है, हमें स्वस्थ होने में बाधक बनती है। कितनी तरह की धारणाएं। दो दिन पहले एक भाई मुझे कह रहा था, महाराज साहब मुझे आशीर्वाद देंगे क्या। मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछते हो, बोला मैं बहुत पापी हूं, मुझे आशीर्वाद देंगे क्या। अब ये भी एक धारणा है कि मैं बहुत पापी हूं, और हम में से कितनों के अंदर ये धारणा होगी कि मैं लायक ही नहीं हूं, मैं तो बहुत पापी हूं। अथवा अपनी इच्छाओं को लेकर के मन में धारणा होगी, इतनी इच्छाएं हैं मैं तो इस धर्म करने के लायक ही नहीं हूं, ऐसी आदतें हैं मैं तो कभी बंधनों से मुक्त हो ही नहीं सकता। ये भी धारणा एक कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरे कर्म बहुत भारी है। कुछ दिन पहले एक बहन बोल रही थी, महाराज साहब मेरे कर्म तो बहुत भारी है, मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी भी तपस्या करूं सब कम है, मेरे कर्म बहुत भारी है। हमने कहा तुम्हें किसने बोला तेरे कर्म बहुत भारी है, किसी ने नहीं बोला होगा, हमने ही मान लिया होगा, ये धारणा बना ली होगी कि मेरे कर्म बहुत भारी है। और न जाने हम में से कितने लोगों के अंदर ये धारणा है ना, नहीं है, है ना ये धारणा, मेरे कर्म बहुत भारी है। अब जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है वो भी कह रहा है कि मेरे कर्म बहुत भारी है इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं, और जो तपस्या नहीं कर पा रहा है वो भी सेम सेंटेंसेस बोल रहे, वो बोल रहे मेरे कर्म बहुत भारी है, देखो मैं तपस्या करना चाहता हूं तपस्या नहीं कर पाता। और आज दिन तक हमें धर्म के नाम पर, धर्म के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कुछ मापदंड दे दिए गए, मेजरमेंट्स पैरामीटर्स दे दिए गए कि उनको लेकर के हम लोग हमेशा गिल्ट में ही रहते, उन पैरामीटर्स की वजह से गिल्ट में रहते। जैसे आपको पकड़ाया गया कि आप तपस्या करो, अब आप तपस्या नहीं कर पाओ तो आप कहते हो रे मेरे बहुत पाप कर्मा हूं तपस्या ही नहीं कर पाता। और ये धारणा कितना नुकसान कर रही है, तपस्या करने से या न करने से फायदा या नुकसान होगा नहीं होगा, रूपांतरण घटित होगा नहीं होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है, परंतु ये धारणा मन में बिठा ली, अरे मैं तो तपस्या ही नहीं कर सकता। ये धारणा हमारा कितना नुकसान कर रही है कि मैं बहुत भारी हूं, मेरे कर्म बहुत भारी है, मेरे अंतराय बहुत है। अब किसी ने देखा अंतराय बहुत है, लेकिन हमने माना, हमने मान लिया।
अगर घर में प्रतिकूलताएं हैं तो एक आदमी मान करके चलता है कि प्रतिकूलता इतनी है कि मैं कभी इन कर्मों से मुक्त हो ही नहीं सकता, मैं परेशानियों से मुक्त कभी हो ही नहीं सकता, ये मेरे ही सारे कर्मों का दोष है, किस्मत का दोष है, मेरी पुनवानी कम है, खोरी है पुनवानी, जो मेरे घर में ही प्रतिकूलताएं होती है। अब बताओ ऐसा कोई घर है? चाहे राम भगवान का घर उठा के देख लो, कृष्ण भगवान का घर उठा के देख लो, हाँ महावीर स्वामी जी का घर उठा के देख लो, कोई घर था जहां प्रतिकूलता नहीं थी? थी क्या? कृष्ण भगवान के घर में प्रतिकूलता नहीं थी? पांडवों के घर में कोई घर मिला आपको? जिस भी आपने इतिहास प्रसिद्ध कितने भी घरों के नाम सुने होंगे, राजघरानों के नाम सुने होंगे, भगवान के घरों के नाम सुने होंगे, कोई ऐसा घर देखा आपने जहां प्रतिकूलता नहीं थी? लेकिन उस घरों में रहने वाले लोगों में से कई लोग मुक्त हुए ना। लेकिन हमारे मन में सोच क्या है? मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी पुनवानी कम है। ये तुम्हारी पुनवानी कम कैसे हो गई इससे? पर एक धारणा, और ये सारी धारणाएं हमको बहुत गिल्ट में ले जाती है। और इस तरह से हमारे यहां पर क्या हो गया, एक ऐसी परिदृश्य बन गया कि जो आदमी अपने आप को ज्यादा गिल्ट में फील करता है और बार बार बोलता है, लोग उसको कहते हैं बोलो कितना पछतावा करता है, कितना धार्मिक आदमी है, कितना सरल आदमी। ऐसी सोच चल पड़ी है। और जो आदमी गिल्टी लेस है, गिल्ट से मुक्त है, हम कहते हैं इसको कुछ धर्म की पड़ी नहीं है, इसको कोई डर ही नहीं है, इसको पछतावा ही नहीं होता। मानो पछतावा होना हमारी बीमारी ना होकर के हमारा स्वस्थ हो गया हो, हमारे लिए स्वस्थ हो गया हो। और इसीलिए आज तक धर्म गुरुओं ने लोगों को पछतावे करने के लिए प्रेरित किया कि पछतावा करो, गिल्ट फील करो, देखो तुमसे तप नहीं होता, देखो तुमसे दान नहीं होता, देखो तुम्हारी पुनवानी में कमी है इसलिए घर में परेशानी है। उनसे पूछो ऐसा कौन सा घर है भाई, साधुओं का सिंगाड़ा भी ऐसा नहीं है जहां पर कि लड़ाई झगड़े नहीं होते, बहुत थोड़े मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे ऐसे साधुओं के सिंगाड़े, बाकी तो किसी बड़े से बड़े साधुओं के सिंगाड़े में चले जाओ, वो तो आप दूर से देखते हो इसलिए आपको पता नहीं है, नजदीक जाके देखो, और जो नजदीक जाते हैं वो एकदम दूर हो जाते हैं, वो कहते ना जाओ तो अच्छा। बड़े बड़े क्रियापात्री साधु भी आपस में लड़ते, क्रियापात्री मतलब बड़े कर्मकांडी, खूब त्याग तप वैराग्य की बातें करने वाले लोग आपस में गुरु भाइयों से नहीं बना पाते, तो किस लिए बात कर रहे हो, गिल्ट में क्यों रह रहे हो? लेकिन हर जगह पर धर्म को क्रियाओं प्रक्रियाओं में बताया गया, धारणाओं में, पछतावे में, डर में, गिल्ट कॉन्शियस में बताया गया। कोई कहता ही नहीं यार आपका प्रेम कहाँ है, आपका स्वास्थ्य कहाँ है, आप पूर्ण हो, आप आनंदित हो, हम बातें करते हैं आनंदित होने की, हो ही नहीं पाते। और नहीं हो पाने में बहुत बड़ा कारण तो धर्म भी होता है कि धर्म की बातें भी हमें आनंदित नहीं करने देती, होने नहीं देती आनंदित, क्योंकि धर्म की बातें हर बार एक चीज कराती है कि यहां तक पहुंचना तुम यहां तक नहीं पहुंचे, ये करना था तुमने ये नहीं किया, अब इतना त्याग करना था नहीं किया तो धार्मिक कैसे, इतना तप करना था नहीं किया तो धार्मिक कैसे, इतनी सीढ़ियों तक चढ़ना था, देखो कोई सीढ़ी तप कर रहा है, सिद्धि तप कर रहा है, आप कर ही नहीं रहे, अब वो गिल्ट आ जाएगा। तो पूरी यात्रा उल्टी चल रही है, और ये जैन समाज तो इतना ज्यादा भटक रहा है, ऐसा लगता है कई बार कि हर आदमी केवल पाप में और क्रियाओं में, और ये तो पाप से डरने और पुण्य को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इसीलिए जिसको जो कर्म करवाना था बोलता है ये करोगे तो पुण्य होगा, और पुण्य होगा ऐसे नहीं बोलते, तो बोलते लाभ मिलेगा, बोलते हैं गोचरी बहराने का लाभ, प्रतिक्रमण करवाने का लाभ, आज शाम की पूजा आरती करवाने का लाभ, दान दक्षिणा करने का लाभ, आज की प्रभावना का लाभ, लाभ लाभ का मतलब क्या, पुण्य के लालची बनो और पाप के पाप से डरो। पूरी यात्रा हमारी ये पुण्य पाप में, लाभ में और भय में, या तो लाभ ले लो और नहीं तो देखो तुम कहां पड़े हो, तुम्हारे अंतराय कितनी है। तो इस तरह से हमारे को एक स्वस्थ जीवन जीने से हमेशा ये धारणाएं बाधित करती है, धारणाएं रोकती है, और ये धारणाएं धर्म के नाम पे बड़ी दी जाती है, और लोगों ने तो यहां तक किताबों में लग दिया कि जो धारणा करे वो धार्मिक, धारणात धर्म, कि जो धारण करे वो धर्म, मतलब जितनी धारणाएं तुमने धारी उतने तुम धार्मिक, किताबों में यहां तक लिख दिया,
जो कि धर्म का अर्थ धारणा से कोई संबंधित ही नहीं था, लेकिन लोग ने लिख दिया धारयति इति धर्म, जो धारणा करे, जो तुम्हें धारे, जो तुम्हारी आत्मा को गिरते हुए से बचाए। पता नहीं यहां गिरा रहे हैं कि बचा रहे हैं। धर्म की परिभाषाएं बना दी, जबकि धर्म का मतलब सीधा सरल था तुम्हारा स्वभाव। और हमारा स्वभाव कैसा है? सच्चिदानंद ज्ञानानंद, गाते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सुनी ना ये प्रार्थना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में पूर्ण शुद्ध, पर की मुझको कुछ चाह नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा महसूस करना, कभी पूछना खुद से कि मैं कैसा हूँ। आज का सवाल आपके लिए, छोड़ते हैं हम आप, आज सब लोग अपने आप से पूछेंगे कि मैं कैसा हूं, मेरे प्रेम को कौन रोकता है, मेरे आनंद को कौन बटवाता है, मेरे आनंद में बाधा कौन बनता है। क्योंकि कल हमने प्रतिज्ञा तो कर ली कि रोज आनंद में रहेंगे, लेकिन आनंद में बाधा कौन है इसको तो जानना पड़ेगा ना, नहीं जाना तो आनंद में कैसे रहेंगे। तो आज हम पता करें कि हमारे आनंद में बाधक कौन बनता है। देखो कितनी तरह की धारणाएं, कितनी तरह की संकीर्णताएं, कितनी तरह की सोच हमारे आनंद को बाधित कर देती है। इसलिए आनंद में रहने की बात तो करना बहुत आसान लगा, लेकिन आनंद में रहना कैसे? प्रयोग करोगे खुद पर तो पता लगेगा, प्रयोग नहीं करोगे, बातें सुनकर के जाने वाले हो तब तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, फिर कुछ पता नहीं लग पाएगा। प्रयोग करना खुद पर, जो सुना उसको एक्सपेरिमेंट करो कि वाकई में आनंद में हूँ, आज पूरे दिन आनंद में रहा, मेरे आनंद को किसने डिस्टर्ब किया, कौन सी चीज़ बाधा बनी। और जब खोजोगे तो आपको भीतर से जवाब भी मिलेगा। पहले आप खोजो, फिर जवाब देने में सहयोगी हम भी बनेंगे। हम सब साथ साथ यात्रा करें, हमें समझ में आए कि हम उल्टी दिशा में क्यों अब तक जा रहे थे। क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हो ये महत्वपूर्ण है। हम क्या कर रहे हैं उससे पाप पुण्य कितना हो रहा है ये जानने योग्य महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये जाने कि हम हैं क्या। देखो कई लोग हैं, कई लोग हैं जो बड़े चालाक है, इतने चालाक है कि कितने लोगों को कैसे ठगना सब कुछ उनको आता है, लेकिन समाज में आकर के बहुत अच्छा दान करते हैं, त्याग करते हैं, लोग कहते हैं बड़े धार्मिक है जी, ठीक है ना। और नज़दीक रहने वाले लोग कहते हैं क्या धार्मिक है, कितना चालू आदमी है, कितनों को ठग लेता है। ऐसी बातें रोज देखने को मिलती है ना। तो एक सवाल पैदा होता है, वो कर तो अच्छी बात रहा है, वो है अच्छा नहीं, तो दोनों में से हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? वो कर अच्छी बात रहा और है अच्छा नहीं, हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, जो अच्छा कर रहा है उस पे ध्यान दो, शाबाश। और हम कर अच्छा रहे लेकिन हम है अच्छे नहीं, किस पे ध्यान देना चाहिए? कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। जो दूसरा आदमी अच्छा कर रहा है लेकिन अच्छा है नहीं ना, मतलब अंदर में धार्मिक नहीं है, अंदर में प्रेमी नहीं है, अंदर में बड़ा लालची है, स्वार्थी है, अहंकारी है, जिद्दी है, और पास रहने वाले को समझ आ रहा है, तब भी आप जो अच्छा कर रहा है ना उस पर ध्यान दो, ताकि आपके मन में उसके प्रति कोई वैर विरोध ना आए। लेकिन आप अगर अच्छे नहीं हो और आपको पता लग रहा है, लेकिन कब पता लगेगा? जब खुद से मुलाकात करोगे। खुद से मुलाकात नहीं करोगे, खुद के कार्यों से मुलाकात करोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि कार्य में तो गड़बड़ी नहीं है, कार्य तुम बड़े अच्छे करते हैं, नहीं करते? मेहमान आते बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं, लोग भी तारीफ करके जाते हैं, हम भी उनके लिए थैंकफुल हो जाते हैं, और मन ही मन क्या बोल रहे होते हैं, आज कितने का खर्चा हो गया फालतू का। तो अपने मन में जो हम बोलते हैं ना, हम क्या हैं, मुलाकात करें, हम क्या करते हैं वो तो सब अच्छा कर ही रहे हैं लगभग, लेकिन क्या है इस पर मुलाकात करें। तो हम अपने पे जाने कि हमारे प्रेम को, हमारे ज्ञान को, हमारे आनंद को कौन रोकता है, कौन बाधक बनता है। क्या करते हो ये दुनिया के लिए है, क्या हो
वो खुद के लिए है। और हम क्या हैं अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो फिर हम अज्ञानी हैं। और एक अज्ञान मात्र ही ऐसी अवस्था है कि जिससे सारे अन्य कर्मों का बंधन होता है, और एक ज्ञान मात्र ही ऐसी अवस्था है कि उसके बाद कोई कर्म का बंधन होता ही नहीं है। तो कर्म का बंधन क्रिया में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कर्म का बंधन कर्ता में है कि कर्ता क्या है, करने वाला कौन है, करने वाला कौन है। देखो दान देने वाला कौन है, सवाल ये था हमेशा, दान धर्म में इतनी बात नहीं थी। अगर दान मात्र धर्म है, दान की क्रिया मात्र धर्म है, तो नागेश्वरी ब्राह्मणी क्यों नरक में गई? दान की क्रिया मात्र से धर्म होता है तो कितने लोग दान देकर के भी संसार की वृद्धि कर लेते हैं। तो क्रिया में मत जाना, गलत दिशा मत पकड़ना। गलत दिशा पकड़ ली तो पूरी जिंदगी रोते पछताते रहोगे और सोचते रहोगे मैं पुनवान, मैं पापी, ये पुनवान वो पापी, ये ऐसा मैं वैसा, सारी तुलना चालू रहेगी। छोड़ो, बाहरी दिशा में मत ढूंढने जाओ, खुद की दिशा में आओ, मैं क्या हूं, खुद से सवाल करना। आज का प्रश्न छोड़े जा रही हूं कि खुद से सवाल करें हम कि मैं क्या हूं, मैं स्वस्थ हूं, पूर्ण हूं, आनंदित हूं, संपूर्ण चेतनाओं के साथ आत्मवत हूं, एकात्म महसूस करती हूँ, मेरे प्रेम को रोकने वाला कोई है तो नहीं, मेरे आनंद को हटाने वाला कोई है तो नहीं, और अगर है तो वो क्या है, अगर है मेरे आनंद को रोकने वाला कोई तत्व है तो वो कौन सा तत्व है, खुद में खोजना। चाहे वो धर्म की बातें हो, चाहे वो सांसारिक बातें हो, चाहे मन की कुंठाएं हो, चाहे मन में रहा हुआ कोई भी वैर विरोध का भाव हो, खुद के अंदर खोजना, तो हम आगे यात्रा करेंगे कि कैसे हम अपने प्रेम को बांटने वाले तत्वों से मुक्ति पा लें। जय हो।